और देख सकते हैं यार कितनी लाल है यार, मेरे भी लाल होने वाली, इतना ज्यादा तीखा दिख रहा है। चटनी भी तीखी, लाल मिसल भी तीखा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे स्ट्रीट फूड सीरीज में, जहाँ पर हम फेमस एंड टेस्टी फूड ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का फेमस नंबर। एक नंबर, आज पता चल गया कि इतना ज्यादा फेमस क्यों है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम रेटिंग की बात करें कि हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे स्ट्रीट फूड सीरीज में, जहाँ पर हम फेमस एंड टेस्टी फूड ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं उनका रिव्यू। आज ना किसी हम एक प्रॉपर स्ट्रीट फूड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना कि कोई सिटी के स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हैं, हम पूरे एक स्टेट के स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हैं। जहाँ पर हम दो स्टेट लेंगे, जहाँ पर हम उन दोनों की जो फेवरेट और फेमस डिश है, जो सबको पसंद होती है, वो वाली हम डिश ट्राई करने वाले हैं। जहाँ पर हम गुजरात का जो फेमस सबसे ज़्यादा सेवसल है, वो हर एक को पसंद है, इसलिए वहाँ का गुजरात का फेमस सेवसल हम ट्राई करेंगे। और महाराष्ट्र का जो सबसे ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड है, वो है मिसल पाव, वो हम ट्राई करने वाले हैं। दोनों का हम कंपेयर करेंगे किसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा फेमस है और टेस्टी है, तभी तो पता चलेगा ना यार कि दोनों दिखते तो एक जैसे ही है, मगर टेस्ट किसका सबसे ज़्यादा अच्छा है और खाने में किसका ज़्यादा मज़ा आता है यार, महाराष्ट्र का मिसल पाव या फिर गुजरात का सेवसल, वो आज हम ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पता कैसे करेंगे क्या खाना है हमें, तो हमें कॉइन निकालना पड़ेगा। कॉइन निकालने के बाद हम टॉस करेंगे, फिर पता करेंगे। देख लो, इधर है ना ये वाला किंग है, अगर किंग आता है तो हम मिसल पाव खाने जाएंगे, और अगर क्रॉस आता है, ये 1 रुपये आपको दिख रहा होगा, तो हम सेवसल खाने जाएंगे, तभी मज़ा आएगा ना यार। चलो तो उछालते हैं। क्या है, क्रॉस आया है, देखो मैंने कहा था ना कि क्रॉस आएगा तो हम सेवसल खाने जाएंगे, और अगर किंग आएगा तो हम मिसल पाव खाने जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम खाने जाने वाले गुजरात का फेमस सेवसल, तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं और ट्राई करते हैं सेवसल। चलो अभी हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ पर सेवसल स्टार्ट करेंगे खाने से, और मैं आपको बताया था कि हम आए यहाँ पर महाकाली सेवसल के वहाँ पर, और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और टेस्टी है, इसलिए यहाँ पर हम आए। और मेरे सबसे बात करूँ, पहली बार कि मैं कभी तक ट्राई नहीं किया तो सेवसल को यहाँ पर महाकाली सेवसल पे, तो हम वही ट्राई करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि कैसा है टेस्ट। पाव, ग्रीन ऑनियन, सेव, फिर उसल, और ये एक्स्ट्रा उसल जो अगर आपको लेना है तो, ग्रीन चटनी, लहसुन वाली चटनी, स्पाइसी चटनी हमारी, और ये ब्लैक पेपर, सॉल्ट, नींबू का रस। अभी हम ट्राई करेंगे सबसे फर्स्ट, तो देखेंगे किसका कैसा ज़्यादा टेस्ट है। सबसे पहली बात, गरम बहुत ज्यादा है। नहीं। पाव से टेस्ट करके देखते कैसा लगता है। नहीं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आते हो सेवसल पर, आप ट्राई करना कि जब भी कहीं पर फ्रेश सेवसल आपको चाहिए तो वहाँ पर पाव का पता चल जाता है। अगर पाव सॉफ्ट है तभी पता चलता है कि पाव एकदम फ्रेश है, तभी लगता है कि यहाँ पर खाना एकदम फ्रेश होगा। तो आपको कहीं पर भी आप जाओ तो पता करना कि सेवसल में पाव जो होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा, वरना कल परसों के पाव पेट पर दे दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें ना मटन डाले जाते हैं, और मिसल पाव में मटन ही जाते हैं, बड़े कुछ डाला जाता है इसमें। अगर आप देखने जाओगे तो ये मटर होंगे, आप देखो, ये देखो मटर डाले हुए हैं, इसी का तो टेस्ट आता है।
एकदम जोरदार। अभी हम तरी डालते हैं, लहसुन वाले तरी डाल के देखते हैं कैसा लगता है। एकदम स्पाइसी है, मैं स्पाइसी खाता नहीं हूँ, फिर भी ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सार। बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। थोड़ी सी और डाल दें, अब टेस्ट करते हैं। गरम है हाँ भाई, और भी ज़्यादा। अगर कोई स्पाइसी का शौकीन है, जिसको स्पाइसी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे को इतना ज़्यादा पर्सनली तीखा पसंद नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करके देखा। अगर आपको भी स्पाइसी पसंद है तो आप टेस्ट कर सकते हो स्पाइसी। ग्रीन चटनी भी अपने डाल के देखते हैं। देखिए पाव के साथ खाते ग्रीन चटनी के साथ भी मजा आ रहा है। एक नंबर, आज पता चल गया कि इतना ज्यादा फेमस क्यों है, टेस्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। कहीं पे भी जाके आप पूछोगे तो महाकाली सिलसिला आपको, कोई भी गली गली में जाके पूछोगे यहाँ का एड्रेस आपको बता देगा, यहाँ पर लेकर आ जाएगा। तो आप कहीं पे भी जाके पूछ सकते हो महाकाली सिलसिला किधर है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, लोकेशन भी मिल जाएगा आपको। तो आप चेकआउट करके पता कर लेना कहाँ का है, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी है यार, मज़ा आ गया। महाराष्ट्र के मिसल पाव खाने के वहां पर हम प्लेस पर, हमारे डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं। और मैंने आपको बताया कि हमने गुजरात का जो सबसे फेमस डिश थी वो थी सेवसर, वो हमने ट्राई कर चुके हैं और बहुत ही ज्यादा यमी थी और टेस्टी थी। अब बारी हमारे महाराष्ट्र के फेमस मिसल पाव की, जो बहुत ही ज्यादा लोगों ने कहा कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, महाराष्ट्र का सबसे फेमस थी वही है। तो हम वो वाले ट्राई करने जाते हैं, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है। और उसमें से दो तीन तो मैंने सर्च किया कि कोल्हापुरी आता है, फिर थाने का फेमस मिसल पाव है, फिर मुंबई का फेमस है, बॉम्बे का, फिर और पुणे का सबसे फेमस है, थाने का सबसे। तो यहाँ पर कौन सा मिसल पाव मिलता है वो हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा है, वही ट्राई करेंगे और पता लगाएंगे कि सेवसर बेस्ट है या मिसल पाव बेस्ट है। तो चलो चलते हैं देरी के लिए। We are now approaching the city of Bombay, the gateway to India. And the first view that comes to our attention is the gate itself, an admirable illustration of Great Britain's construction. मुश्किल है जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिल, मिलता है यह सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिल, मिलता है यह सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम निशान, जरा हट के जरा बच के, यह बम्बे मेरी जान है। मुश्किल है जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान।
गाइस अभी आप मेरे सामने ये जो डिश पड़ी है वो है कोल्हापुरी की सबसे फेमस डिश मिसल पाव, जो हमारे यहाँ की मैंने कहा था ना आपको थाने का, मुंबई का, पुणे का सबसे ज्यादा फेमस होता है मिसल पाव, उसकी जगह ये वाला हम ट्राई कर रहे हैं कोल्हापुरी का मिसल पाव, जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है और यार दिखने में तो यार बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहा है और मेरे को खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और ये इसके साथ है लहसुन की चटनी, दो पाव, ऑनियंस, लेमन और ये मिसल, एक्स्ट्रा मिसल आपको जितना लेना है उतना। तो हम ट्राई करेंगे और देख सकते हैं यार कितनी लाल है यार, मेरी भी लाल होने वाली, इतना ज्यादा तीखा दिख रहा है, चटनी भी तीखी, लाल मिसल भी तीखा और पाव हमारे सॉफ्ट। मैंने कहा था ना कि अगर पाव सॉफ्ट होंगे तभी पता चलेगा यार क्या पाव फ्रेश है, तो हम ट्राई करते हैं। चलो पहले चख लेते हैं कैसा है मिसल। तो इसमें हमारे ये सेवसल में मैंने कहा था सेवसल में सेव डाली जाती है और इसमें ये ऊपर जो इतना देख रहे हो ये सेव नहीं, ये फरसान डाली गई है, अलग अलग टाइप की फरसान है इसके अंदर, ये देख सकते हो। और हमारे ये जो हमने सेवसल खाया हो हमने फर्स्ट उसमें मटर डाली गई होती, इसके अंदर है ना मूंग डाली गई है, मूंग ना मठ डाले गए और उसकी वजह से टेस्ट का अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना स्पाइसी टेस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा अलग टेस्ट है इसका। और ये बाकी सब डिशेज से अलग क्यों कहा जाता है इसलिए मुझे पता चला कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी होती है इसकी वजह से। थोड़ा ऑनियन डाल देते हैं हम लोग, मैंने कभी नहीं खाई मिसल पाव, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसके पाव अलग है, सेवसल से अलग पाव आते हैं। अभी हम ये वाला ट्राई करते हैं, वेट करो। मिसल पाव के अंदर मूंगफली के दाने भी है, जो मिक्स वेज पर्सन में आते हैं। मैंने भैया को मैंने पूछा कि मिसल पाव इतना ज्यादा स्पाइसी क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र में सब लोग स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद करते हैं और उनको मिसल भी एकदम तीखा वाला चाहिए होता है, इसलिए मैंने पहले से ही कम तीखा मैंने बना के रखा है। और जिसको ज्यादा तीखा पसंद है स्पाइसी पसंद है उनके लिए लहसुन वाली चटनी जो दिख रही होगी इतनी लाल लाल चटनी है, भाई मेरे से नहीं खाएगा, हम ये वाला ट्राई कर लेंगे। नींबू डालते हैं, मस्त है यार टेस्ट तो बहुत ही जोरदार आ रहा है। अब पता चला कि महाराष्ट्र वाले इतने मिसल पाव के लिए फेमस क्यों है, कोल्हापुरी मिसल पाव हम ट्राई कर रहे थे। मस्त है यार, बहुत ही अमेजिंग। ये थोड़ा रबड़ा टाइप है, थोड़ा हार्ड टाइप है, तो मैं उसमें डाल देता हूँ। इसमें ऑलरेडी ऊपर से तरी डाली हुई है बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है। लहसुन हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान, उसे दिल में जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। यार बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था यार, हमने बहुत ही ज्यादा मजा आया खाने का। मगर आप देखने जाते हो मिसल पाव के अंदर है ना वो सेव नहीं डाली जाती, वो मिक्स चवाणु डाला जाता है, गाठिए मटर मूंगफली के दाने ये सब मिक्स फरसा डाला जाता है और सेवसल के अंदर सिर्फ सेव डाली जाती है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मिसल पाव बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है और वो थोड़ा सा कम स्पाइसी था, अगर हम यहाँ पर कहते हैं मिसल पाव के अंदर स्पाइसी डाल तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी कर देते हैं, मैंने कम स्पाइसी बोला उनको मीडियम बोला। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम रेटिंग की बात करें किसका सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट है और किसका सबसे बेस्ट
डिश है वो हम बता रेटिंग के साथ। तो सेवसल का अगर हम रेटिंग लेते हैं टेस्ट के मुकाबले तो यार 5 में से 5 स्टार में दूंगा, क्योंकि यार मुझे जो बन चाहिए थे वैसे बन है, सेव वैसी है, सेवसल जितना ज़्यादा टेस्टी होना चाहिए उतना ही सेवसल टेस्टी है। तो हम 5 में से 5 रेटिंग देंगे। और पैसे के मामले में भी बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस है, अगर आप टेस्ट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, चीप प्राइस में 5 में से 5 स्टार देंगे। और मिसल पाव में अगर हम देखने जाते हो, मैं पर्सनली मैं बताऊँ तो मैंने कभी मिसल पाव ट्राई नहीं किया, फिर भी मैं अगर रेटिंग दे सकता हूँ तो स्पाइसी, मुझे पर्सनली मुझे स्पाइसी पसंद नहीं है, मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा, क्योंकि यार अगर किसी को स्पाइसी पसंद है वो 5 में से 5 स्टार दे सकता है। अगर कोई महाराष्ट्रीयन है उसको पता है कि मिसल पाव कैसा है, मैं फर्स्ट टाइम क्या, मुझे खुद को ही नहीं पता कि मिसल पाव होता क्या है कैसा आता है, तो मैं पर्सनली 4 स्टार दूंगा। और प्राइस के मामले में ये भी बहुत ही ज़्यादा चीप है, तो अगर आप देखने जाते हो तो खाना आप यहाँ का एफर्ट कर सकते हो मिसल पाव, तो इसको भी रेटिंग में 5 में 5 स्टार दूंगा, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, चीप रेट ही है दोनों का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार पहले तो लाइक कर दो यार, मेरे को तो मिसल पाव और सेवसल दोनों पसंद आएगा यार, दोनों ही अपनी जगह है ना बेस्ट है। गुजरात का सेवसल भी गुजरात के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस और टेस्टी, और महाराष्ट्र का जो मिसल पाव है वो भी अपनी जगह बेस्ट है, क्योंकि वो भी वहाँ का एक फेमस डिश है जो हर इंसान खाना चाहता है। तो वैसे दोनों अपनी जगह बेस्ट है, किसी को ऊपर नीचे कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही अलग अलग, हर इंसान के अलग अलग चॉइस होते हैं, किसी को तीखा पसंद है, किसी को स्पाइसी, किसी को टेस्ट, सब कुछ अलग अलग तरह से इंसान का होता है, अलग अलग विशेष होती है। तो ये बेस्ट है, मैंने दोनों को ट्राई करके बताया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, तो मुझे तो दोनों ही पसंद आया है। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वो लाल वाला बटन है उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बाजू में होगी तो आपको मिल जाएगी, नया वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा हमारी वीडियो कब आने वाली है। तो मिलता हूं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे रिव्यू करके मुझे बताओ कमेंट करके कि कौन से वीडियो में आपको बनाओ, कोई भी अच्छा अगर प्लेस आपको पता है तो मुझे बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पर आपका ट्राई फूड करूँगा, रिव्यू में आपको बताऊँगा। तो लिंक और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह का, तो आप चेकआउट करना मत भूलना, लोकेशन भी आपको मिल जाएगा, प्राइस भी मिल जाएगा। तो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, यहाँ पर मेरी आईडी दिख रही होगी। तो मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।